नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत हमारे चैनल एजटेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड, जैसे हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी आज से एमएस ऑफिस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, और जिसमें हमने एमएस ऑफिस में आपको पिछले क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सबके टॉपिक्स के बारे में बता दिया था कि इसमें आपके एमएस वर्ड होते हैं, एमएस एक्सेल होते हैं, एमएस पावर पॉइंट होते हैं, एमएस एक्सेस होता है, एमएस पब्लिशर होता है और एमएस आउटलुक होता है। तो आज से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा एमएस वर्ड। अब फ्रेंड्स देखिए, ये एमएस वर्ड होता क्या है। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि एमएस वर्ड क्या होता है, एक प्रकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को टाइप करके उसमें अच्छी अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अपने फाइल को बढ़िया लुक दे सकते हैं। उस पर लेटर हम लोग भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, इनवेलप भेज सकते हैं, मेल मर्ज बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें को हम एमएस वर्ड पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने से सबसे पहले आप विंडो की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ड। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आपको एक वर्ड ये दिख रहा है और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दिख रहा है। दोनों वर्ड सेम है, बस इन दोनों में वर्जन का अंतर है। तो ये जो एमएस वर्ड आपको दिख रहा है, वर्ड ऐप, ये आपका है वर्ड 2021 का और ये एमएस वर्ड है 2007 का। तो फ्रेंड्स, हम आपको दोनों पढ़ाएंगे क्योंकि एमएस वर्ड 2007 ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर जगह इसमें यूज हो रहा है। बाकी जो 2022 है ये सिर्फ नए लोग यूज कर पाते हैं क्योंकि ये लाइसेंस वर्जन है। बाकी इस पर आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और तब तो आप इसको एक्टिवेट करके इस पर सारे काम कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों के बारे में बताएंगे जिससे आपको किसी, अगर आप कोई भी एमएस वर्ड चला रहे, चाहे वो 2007 हो, 2013 हो, 10 हो, 2016 हो, 2022 हो, 21 हो, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो पहले हम 2007 से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए जैसे आप वर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एमएस वर्ड आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपका ये वर्ड स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब पहले आपको इसके इंटरफेस के बारे में बता देते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको अभी तक बताया था, आप लोग जानते होंगे, जो सबसे ऊपर लाइन होती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं और इसी के राइट साइड में यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं और ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अब ये आपका होता है ऑफिस बटन जिसको हम लोग बोलते हैं और इसमें हमारे कुछ रिबन्स होते हैं, जैसे होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है एंड व्यू है। इसमें इतने प्रकार के आपको रिबन्स दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में आपको सभी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब फ्रेंड्स, इसके बाद ये हमारा होता है डॉक्यूमेंट पेज जो हमारा कर्सर दिखाई देता है और ये हमारा ये माउस पॉइंटर मूव हो रहा है। माउस पॉइंटर देखिए यहाँ पे आपको मूव हो रहा है, लेकिन जब आप इस पर ले आएंगे तो ये आपको एक कर्सर के रूप में दिखाई देगा। और ये आपका स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार और यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारे कुछ व्यू होते हैं जिसमें ये है प्रिंट लेआउट व्यू, ये फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये वेब लेआउट व्यू है, ये आउटलाइन है और ये ड्राफ्ट है। बाकी ये आपका जूम स्लाइडर है जहाँ से हम अपने पेज को प्लस और माइनस करके छोटा एंड बड़ा करके देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये तो हमारा था कुछ इंटरफेस कि एमएस वर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं। टाइटल बार हो गया, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन हो गए, ऑफिस बटन हो गए, ऑफिस बटन बाद होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इतने प्रकार के व्यू होते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का लुक है। अब फ्रेंड देखिए, हम इसी को आपको वर्ड 2022 को दिखाते हैं। अब देखिए, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ साइज सेम होंगे, बस इसका थोड़ा लुक डिफरेंस होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये इसका होम पेज होता है जिसमें हम सारी चीज़ें देख सकते हैं और यहाँ से आपको रिसेंट फाइल दिख जाएगी, अभी किस किस फाइल पर काम किया गया है। अगर आप यहाँ न्यू फाइल खोलना चाहते हैं यहाँ से खोल सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और यहाँ से आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। मोर टेम्पलेट में आने के बाद आपको बहुत प्रकार के टेम्पलेट मिल जाएंगे, जैसे ये लेटर है, रिपोर्ट बनाने का है, रिज्यूम का है, ये लेटर है, कई प्रकार के लेटर मिल जाएंगे आपको, रिज्यूम मिल जाएंगे। देख लीजिए कई प्रकार के आपको ये लेटर और रिज्यूम दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट हो गया, ये रिज्यूम होगा। अगर आपको इस रिज्यूम को बनाना है तो आप इस रिज्यूम पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये एक टेम्पलेट बन करके अभी तैयार हो जाएगा और आप उसमें किसी प्रकार के रिज्यूम या लेटर को ऑटोमेटिक बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो हम इसमें से किसी भी एक को ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ से किसी भी एक रिज्यूम को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने ये इस रिज्यूम को हमने क्लिक कर दिया,
अब फ्रेंड देखिए जैसे रिज्यूम को क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने इसका रिज्यूम का फॉर्मेट खुल करके आ चुका है। अब बस आपको इसमें अपनी डिटेल्स को फिल करना है और आपका ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट का रिज्यूम बन करके तैयार हो जाएगा, जो आपको ये पॉइंट आपको मिलेगा किसमें जाकर के 2022 में। अब फ्रेंड देखिए इसमें सारी चीजें आपको वही है, इसमें भी आपका वही टाइटल बार है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए किसी पर्सन का नाम दिख रहा है, ये उस पर्सन का नाम होता है जिस पर्सन के नाम से ये आईडी लॉगिन होती है या एमएस ऑफिस रजिस्टर्ड होता है। बाकी इसमें भी आपकी चार सारी चीजें हैं, ये आपके फाइल्स बटन हो गए, बाकी आपको होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, वही सब आपको रिमर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम फिर चलते हैं अपने मेन विंडो पर। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो हो गया वर्ड को विंडो के साथ खोलने का, एक तरीका और भी होता है विंडो के साथ आपको आर प्रेस करना है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा रन का पॉइंट और आपको यहाँ पर लिख देना है विन वर्ड और जैसे ओके करेंगे आपके सामने ये ऑफिस खुल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने ऑफिस खुल चुका है। इसके और भी शॉर्टकट तरीके हैं जो हम आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर डेस्कटॉप पर नहीं है तो आप यहाँ से इसको वर्ड को खोल लीजिए और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको खिलेगा ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन पे आने के बाद आप यहाँ जिसको सो मोर ऑप्शन से आइएगा और यहाँ पे सेंड टू करिएगा और यहाँ से डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जिसको डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं या तो आप इसका शॉर्टकट बनाकर भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से शो मोर ऑप्शन पे आने के आ सकते हैं तो भी प्रॉपर्टीज पे आ जाइएगा, नहीं तो आप यहीं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाइए और यहाँ पे शॉर्टकट की में यहाँ नन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी एक वर्ड प्रेस कर दीजिए, जैसे प्रेस कर दिया कंट्रोल अल्ट प्लस डब्ल्यू और जैसे आप अप्लाई करेंगे ओके करेंगे, अब कीबोर्ड से आप कंट्रोल अल्ट और डब्ल्यू जैसे प्रेस करते हैं आपका ये वर्ड खुल करके आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये था वर्ड का इंट्रोडक्शन की वर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, वर्ड कैसे ओपन होता है और उसमें क्या क्या इंटरफेस होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपको इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो हमारा वीडियो जैसा लगा हो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जिससे वो हमारे वीडियो से लाभ ले सकें और ऐसी अच्छी वीडियो या अट्रैक्टिव वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।